आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम सभी बथुआ के बारे में जानते हैं। इसकी प्रकृति तर और ठंडी होती है। यह हरा शाक है, यह पथरी होने से बचाता है। बथुआ अमाशय को बलवान बनाता है, गर्मी से बढ़े हुए यकृत को ठीक करता है। बथुए में लोहा, पारा, सोना और क्षार पाया जाता है। बथुए का साग जितना अधिक से अधिक सेवन किया जाए निरोग रहने के लिए उपयोगी है। बथुए का सेवन कम से कम मसाले डालकर करना चाहिए, नमक नहीं मिलाएं तो अच्छा है। यदि स्वाद के लिए मिलाना पड़े तो सेंधा नमक मिलाएं और गाय या भैंस के घी से छौंक लगाएं। बथुआ का उबाला हुआ पानी अच्छा लगता है तथा दही में बनाया हुआ रायता स्वादिष्ट होता है। किसी भी तरह बथुआ नित्य सेवन करें। बथुआ शुक्रवर्धक होता है, नेत्र ज्योतिवर्धक भी होता है। आँखों में लाली या सूजन में बथुए का साग खाने से आराम मिलता है। बथुए का साग आँखों की ज्योति को तेज बनाता है। घुटने में अगर दर्द हो तो बथुआ ज़्यादा पानी में उबालकर पानी छानकर दर्द वाले घुटनों को सेक करें। उबले हुए बथुए की सब्जी बनाकर खाएं। इस प्रकार बथुए का सेवन कुछ सप्ताह करने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। बथुए के उबले हुए पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक, काली मिर्च डालकर पी सकते हैं आप। कब्ज़। बथुआ अमाशय को ताकत देता है, कब्ज़ दूर करता है। बथुए का शाक दस्तावर होता है। कब्ज़ वालों को बथुए का साग नित्य खाना चाहिए। कुछ सप्ताह नित्य बथुए की सब्जी खाने से सदा रहने वाला कब्ज़ दूर होती है, शरीर में ताकत आती है और स्फूर्ति बनी रहती है। कब्ज़ के कारण सिर दर्द और वायु गोला हो तो ठीक हो जाता है। पेट के रोग। जब तक मौसम में बथुए का साग मिलता रहे नित्य इसकी सब्जी काला नमक डालकर खाएं। बथुए का रस उबाला हुआ पानी पिएं। इससे पेट के हर प्रकार के रोग, यकृत, तिल्ली, अजीर्ण, गैस, अर्श, पथरी ठीक हो जाते हैं। पथरी हो तो एक गिलास कच्चे बथुए के रस में शक्कर मिलाकर हर रोज पीना चाहिए, पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। कृमि। कच्चे बथुए का रस एक कप में स्वाद के अनुसार नमक मिलाकर हर रोज दो बार 10 दिन तक पीते रहने से कृमि मर जाते हैं। बथुए के बीज एक चम्मच पीसकर शहद में मिलाकर चाटने से भी कृमि मर जाते हैं तथा रक्तपीत ठीक हो जाता है। जुएं लीखे हों तो बथुए को उबालकर इसके पानी से सिर धोएं, जुएं मर जाएंगी तथा बाल साफ और मुलायम हो जाएंगे, रूसी दूर होगी। मासिक धर्म रुका हुआ हो तो 2 चम्मच बथुए के बीज 1 गिलास पानी में उबाल लें, आधा रहने पर छान कर पी जाएं, या 60 ग्राम बथुए को 1 गिलास पानी में उबाल कर छान कर पिएं, मासिक धर्म खुलकर साफ आएगा। इसकी सब्जी भी खाएं। आँखों में सूजन हो या लाली हो तो प्रतिदिन बथुए की सब्जी खाएं। सफ़ेद दाग। नित्य बथुए की सब्जी खाएं। इसके कच्चे पत्तों की चटनी पीसकर हर रोज़ 2 बार सफ़ेद दागों पर लेप करें या रस निकालकर हर रोज़ 3 बार लगाएं। यह 4 महीने तक करें, आपको लाभ होगा। सफ़ेद दाग, दाद, खुजली, फोड़े, कुष्ठ इत्यादि चर्म रोगों में हर रोज़ बथुआ उबाल कर निचोड़ कर इसका रस पिएं तथा सब्जी खाएं। यह रक्त शोधक है। बथुए के उबले हुए पानी में चर्म को धोएं। बथुए के कच्चे पत्ते पीसकर निचोड़ कर रस निकाल लें। 2 कप रस में 1/2 कप तिल का तेल मिलाकर उबाल लें। जब रस जलकर तेल ही रह जाए तो छान कर शीशी में भर लें तथा चर्म रोगों पर नित्य लगाएं। लंबे समय तक लगाते रहें, लाभ होगा। गठिया, घुटने का दर्द। बथुआ के पत्तों का रस 1/2 कप रोज भूखे पेट 2 महीने तक, इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाइए। बथुआ के पत्तों की रोटी खाइए, आपको लाभ होगा। 2.5 महीने तक ताजे बथुए का रस 1/2 कप हर पीजिए तथा अदरक का रस 3 चम्मच, 1/2 चम्मच सौंठ 1/2 गिलास पानी में उबालकर जब पानी आधा रह जाए तो छान लीजिए। पीने योग्य ठंडा होने पर स्वाद के अनुसार शहद मिलाकर रात को सोते समय पीजिए तथा उड़कर सोइए। इससे अमावात में बहुत लाभ होता है। फोड़े, फुंसी, सूजन। फोड़े, फुंसी एवं सूजन पर बथुए को कूटकर सौंठ और नमक मिलाकर गीले कपड़े में बांधकर कपड़े पर गीली मिट्टी लगाकर आग भूभल में सेक लीजिए। सिंकने पर गर्म गर्म बांध दीजिए इसको।
फोड़ा बैठ जाएगा या पककर शीघ्र फूट जाएगा। दाद, बथुए को उबालकर उसका पानी पीने से दाद यानी कि एक्जिमा जल्दी ठीक हो जाता है। मर्दाना शक्तिवर्धक, बथुए के बीज और मुलहठी समान मात्रा में पीसकर मिलाकर हर रोज एक चम्मच शहद के साथ रात को सोते समय लें। दाद, बथुए को उबालकर उसका पानी पीने से दाद यानी कि एक्जिमा जल्दी ठीक हो जाता है। मर्दाना शक्तिवर्धक, बथुए के बीज और मुलेठी समान मात्रा में पीसकर मिलाकर हर रोज एक चम्मच शहद के साथ रात को सोते समय लीजिए। मन आशातीत आनंद से सराबोर हो जाएगा। पथरी, बथुआ पथरी होने से बचाता है। इसके पत्तों का कच्चा रस अधिक लाभदायक है। बथुआ उबालकर निकाला हुआ पानी भी पी सकते हैं आप। बथुए की सब्जी में स्वाद के अनुसार पुदीना डालकर हर रोज दो बार खाने से पथरी निकल जाती है। यह प्रयोग लगातार लंबे समय तक या तब तक करना चाहिए जब तक कि पथरी निकल ना जाए। मूत्राशय, गुर्दा और पेशाब के रोगों में बथुए का साग लाभदायक है। पेशाब रुक रुक कर आता हो, कतरा कतरा सा आता हो, तो इसका रस पीने से पेशाब खुल कर आने लगता है। पेशाब के रोग, बथुआ आधा किलो, पानी 3 गिलास, दोनों को उबाल लें और फिर पानी छान लें। बथुए को निचोड़कर पानी निकालकर यह भी छाने हुए पानी में मिला लें। स्वाद के लिए नींबू, जीरा, जरा सी काली मिर्च और सेंधा नमक मिला लें और पी जाएं। इस प्रकार तैयार किया हुआ पानी दिन में 3 बार पीजिए, आपको लाभ होगा। इससे पेशाब में जलन, पेशाब कर चुकने के बाद होने वाला दर्द, टीस उठना ठीक हो जाता है, दस्त साफ आता है, पेट की गैस अपच दूर हो जाता है, पेट हल्का लगता है। उबले हुए पत्ते भी दही में मिलाकर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जलना, आग से जले अंग पर कच्चे बथुए का रस बार बार लगाइए, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा देशी नुस्खा आप सभी के लिए। आज की हमारी औषधि थी बथुआ। बथुआ के लाभों के बारे में आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी ने जाना। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।